हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विकास। आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी पेन ड्राइव से अपने मोबाइल में कोई भी फ़ोटो वीडियो कैसे डाल सकते हो, कैसे ले सकते हो। यहां पे हमारी पेन ड्राइव में दो वीडियोस हैं, इसे हम अपने मोबाइल में लाना चाहते हैं, तो कैसे लाएंगे आइए जानते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक आपकी पेन ड्राइव, आपका मोबाइल और एक OTG, ताकि आप अपने मोबाइल को पेन ड्राइव के साथ कनेक्ट कर सके। ये हमने OTG ली है, जो कि आपको मार्केट में 30 से 40 रुपए तक की मिल जाएगी। इसके बाद आपको कुछ इस तरीके से अपनी पेन ड्राइव को इसके अंदर लगाना है, ताकि ये कनेक्ट हो जाए मोबाइल में। हम इसे लगाते हैं और यहाँ पे आपको सबसे पहले सेटिंग ओपन करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन ढूंढना है, OTG कनेक्शन। अगर आपके पास वीवो का मोबाइल है या कोई और अदर मोबाइल है, तो उसमें OTG कनेक्शन चालू करना होता है, ताकि आप अपने पेन ड्राइव या किसी और चीज़ को यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे MI का मोबाइल है, तो MI के मोबाइल में डायरेक्ट होता है। अगर आपके पास MI का मोबाइल है तो आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसे डायरेक्ट यूज़ करेंगे इसके अंदर। तो हमने इसे लगा दिया है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना फाइल मैनेजर ओपन करना है, तो आपको फाइल मैनेजर मिल जाएगा। ये हर मोबाइल में होता है, बस आपको ढूंढना पड़ेगा। तो फाइल मैनेजर ओपन करिए। यहाँ पे आपको USB स्टोरेज देख लेना है, यानी पेन ड्राइव देख लेनी, वरना ये आपके ऊपर के साइड में भी आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है किंगस्टन USB ड्राइव। अगर हम इसे ओपन करेंगे तो ये वाला पेज आएगा, यहाँ पे लिखा है USB स्टोरेज कनेक्टेड। यहाँ पे आपने सारे स्टोरेज देख लीजिए। हमने अपने पेन ड्राइव को ओपन कर लिया है, यहाँ पे लिखा है USB। इसके बाद आपको वाली फाइल ले लेनी है जो आप अपने फ़ोन के अंदर डालना चाहते हो। तो यहाँ पे न्यू फोल्डर के अंदर दो वीडियो हैं, हम इसे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, मोर ऑप्शन, तो मोर पे क्लिक करें और एक कॉपी ऑप्शन आपको ढूंढना है, जो कि बेहद ज़रूरी है। तो कॉपी ऑप्शन को ढूंढें, सिलेक्ट करने के बाद कॉपी ऑप्शन पे क्लिक करें। आपके पास याला पेज आएगा, वरना बैक करने पे याला पेज आएगा। यहाँ पे आपको मिलेगा इंटरनल स्टोरेज, SD कार्ड और अदर चीज़ें मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम इंटरनल स्टोरेज के अंदर इसे डालेंगे। USB स्टोरेज हमारा है, तो हम इंटरनल स्टोरेज को यूज़ करेंगे। फिर वाले फोल्डर में जाएंगे जहाँ पे हमें इसे सेव करना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक फोल्डर है पावर डायरेक्टर नाम का, तो हम इसे चूज़ करेंगे, ओपन करेंगे इसको और नीचे आपको दिखाई देगा पेस्ट। तो पेस्ट ऑप्शन को ढूंढना है और इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपकी जो फाइल है वो आपके पेन ड्राइव से आपके मोबाइल के अंदर कॉपी होने लग जाएगी। यहाँ पे आपके पेन ड्राइव के अंदर भी रहेगी और आपके मोबाइल के अंदर भी कॉपी हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये आ चुका है इसके अंदर, और बाकी ये हमारी पेन ड्राइव के अंदर भी फाइल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी है। तो मेरी वीडियो पसंद आए, मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।